सर एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ें? मैं पढ़ता हूँ याद नहीं होता है, पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। देखिए ये ह्यूमन का नेचर होता है पढ़ना और भूलना। अगर आदमी जितना पढ़े और उतना याद हो जाएगा तो फिर वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो पढ़ना और भूलना ह्यूमन का नेचर है। कोई नहीं, आप जितना भूलते हैं उतना आप लोग पढ़ते जाना। तो आज मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ें। एनसीईआरटी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की रीड है, वो रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, नहीं हर परीक्षा के लिए, वन डे हो या फिर सब्जेक्टिव एग्जाम हो, हर परीक्षा की रीड है एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बुक है और तमाम जो परीक्षाएं हैं उसका बेस है। और जितना भी मार्केट में अवेलेबल नोट्स है या फिर तमाम तरह की जो सामान्य ज्ञान की बुक्स है वो सब नोट्स बुक है, सॉरी नोट्स बुक्स नहीं है, एक तरह से वो गेस पेपर है। तो हमें देखिए नोट्स पहले वो ये बेसिक बुक को पढ़ना होगा और बेसिक बुक से ही क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। जितना भी एग्जाम को आप देख लीजिएगा तो बेसिक बुक से हु बहु क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग एनसीईआरटी बुक को किस क्लास से पढ़ें और कौन सा एनसीईआरटी बुक पढ़ें। तो मैं आप लोग प्रेफर करूंगा क्लास 6 से एनसीईआरटी बुक पढ़ना, और सभी बुक्स को नहीं पढ़ना। जैसे क्लास 6 की मैं बात करूं तो हिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, उसके बाद आपको ये ज्योग्राफी पढ़ना है और साइंस पढ़ना। पहले क्लास 6, जैसे कि मेरे हाथ में बुक्स दिख रहे हैं, ये हिस्ट्री का बुक्स है। पहले इस बुक्स को आप पढ़ेंगे, बेहतरीन ये कंटेंट इसमें दिया गया है, इस बुक्स को पढ़ना है और जो बुलेट पॉइंट होगा उसका नोट्स खुद से तैयार करेंगे। और पहले जैसे आप क्लास 6 का पढ़ लिया, क्लास 6 का तीनों बुक पढ़ लिया, एक नोट्स तैयार हो गए, नोट्स को बार बार पढ़ते रहना है, फिर क्लास 7 का पढ़ना है, फिर 8 का पढ़ना, फिर 9th पढ़ना, फिर 10th पढ़ना, फिर 11th पढ़ना, फिर लास्ट में 12th पढ़ना है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका तैयारी जीएस का तैयारी बेहतरीन हो जाएगा, नो डाउट, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और नोट्स जो बनेगा, नोट्स को बार बार पढ़ते रहना। नोट्स में कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आएंगे, कुछ सीमित मात्रा में क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को आप लोग बार बार पढ़ते रहेंगे, निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को और बुक्स भी पढ़ना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करना है, तो जीएस आसानी से स्ट्रांग हो जाएगा। अभी देखिए बीपीएससी TRE3 का एग्जामिनेशन, TRE2 का एग्जाम हुआ है तो, या TRE1 का एग्जाम हुआ है तो एकदम एनसीईआरटी बुक से हूबहू क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया, नो डाउट। यानी कि अब देखिए इसमें एनसीईआरटी में कुछ ऐसा प्रश्न था कि जैसे कि ये रेलवे जोन का मुख्यालय, एनसीईआरटी में 16 लिखा गया है बट अभी 18 है, लेकिन अभी आंसर की भी 16 ही लगाया गया, एकदम हूबहु क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा गया, यानी एनसीईआरटी से हूबहु क्वेश्चन को उतार दिया गया। तो इसीलिए पहला हम लोगों का बेस एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को पढ़िए और जीएस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक को आपको खरीदना नहीं है, खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। आप ई पाठशाला या एनसीईआरटी के वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से बुक डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ डाउनलोड होगा, उसको आप पढ़िए।